नमस्कार साथियों, यदि कोई मुझे सुन पा रहा हो तो कमेंट करके बताएं ताकि कार्यक्रम को आगे चालू किया जा सके। हेलो, सभी साथियों को प्रणाम। मैं आपके सामने ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश बाल साहित्यकार आपके सम्मुख आदरणीय ऋषि शर्मा जी के सौजन्य से हिंदगी हिंदगी है जिंदगी समूह के लाइव पेज पर आपके सम्मुख अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने बचपन और बाल साहित्य में मेरे प्रयोग को पूरी तरह से आपके सम्मुख रख सकूं ताकि आप मेरे अनुभव से लाभ उठा सकें और बचपन में बच्चे किस तरह किन बातों से किस तरह प्रभावित होते हैं और उन्हें किस प्रकार संस्कार दिए जा सकते हैं यह हम जान सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कोई मुझे देख पा रहा हो सुन पा रहा हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपनी बात रखना शुरू करूँ। आदरणीय ऋषि जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो कम से कम कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। सभी साथियों को प्रणाम। मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। साथियों, बचपन का बाल साहित्य से सीधा संबंध होता है। बच्चा जो कुछ सुनता है वह सब बाल साहित्य के अंतर्गत आता है। आपने दादी नानी की कहानी सुनी होगी और उन्होंने सुनाई होगी। यह कहानी बचपन को लुभाती, संवारती और सजाती है। यह बाल साहित्य के अंतर्गत आती है। इस मायने में बाल साहित्य के अंतर्गत हम कई विधाओं को रख सकते हैं। लोरी, प्रभाती, कविता, गीत या कोई प्रेरक कथा या कहानी इसके अंतर्गत आ सकती है। ये हमें माता पिता, नानी, दादी या दादा द्वारा सुनाई जाती रही है और हम इसको सुनकर बड़े हुए हैं और इसी से हमें सीख, शिक्षा सब कुछ मिलती रही है। बचपन में मिले बाल साहित्य की याद ता उम्र ताजा रहती है। यह साहित्य हमें जिंदगी भर याद रहता है। इसलिए जब भी समय मिलता है यह बातें हम बच्चों को सुनाने से नहीं भूलते हैं। कारण स्पष्ट है कि जो बातें हमारे तन मन में रची बसी होती है उसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं। यह जब तब हमारी जबान पर चली आती है। मुझे एक कहानी याद आती है। यह कहानी मेरे बचपन की है। उस वक्त दिवाली का समय था और पिताजी पुलिस में थे। हम पुलिस लाइन में रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों को दिवाली, दशहरा, त्यौहार आदि बहुत पसंद होते हैं और जब भी दीपावली, दशहरे की बात आती है उनके मन में उत्साह, उमंग छा जाता है और बच्चे पटाखे फोड़ने, बंदूक चलाने आदि के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। मेरे पिताजी मुझे पटाखे दिलाने के लिए एक दुकान पर ले गए। साथ में मेरा एक दोस्त भी था। वह हमेशा मुफ्त की चीज़ लेना पसंद करता था।
उसकी आदत मैं जानता था। मैंने दुकान से पटाखे लिए, साथ में एक टिकड़ी फोड़ने वाली एक बंदूक भी ली। मेरा देखा देख मेरे मित्र ने एक बंदूक उठाकर चुपचाप अपने जेब में रख ली, यानी कि उसने बंदूक चोरी कर ली थी। यह बात मुझे पता नहीं थी। हम घर आए, शाम को दीपावली मनाए, तभी मेरा मित्र मेरे पास आया। उसने अपनी बंदूक निकाली और टिकड़ी फोड़ना शुरू कर दी। उसके पास ठीक मेरी जैसी बंदूक थी। मैंने उससे पूछा, तू यह बंदूक कब और कहाँ से लाया है? नमस्ते ऋषि जी, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। मेरी बचपन की बातें और मैंने बाल साहित्य में उससे क्या क्या सीखा और मैं दूसरों को क्या बता सकता हूँ, और वे बाल साहित्य में बच्चों को किस तरह बाल साहित्य में संस्कार रोपित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और बच्चों को हम इस आपके योजना के माध्यम से क्या बेहतर दे पाते हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो मैं कह रहा था कि उसने वो बंदूक निकाली और टिकड़ी फोड़ने लगा। तो मैंने उससे पूछा, तू ये बंदूक कब और कहाँ से लाया? इस पर वो मुस्कराया और बोला, मुझे मुफ्त की चीज़ लेने में मज़ा आता है। वह दुकानदार महंगी महंगी चीज़ें दे रहा था और तूने भी महंगी महंगी चीज़ें ले ली, तूने महंगे पटाखे लिए। मैंने उसकी दुकान से बंदूक उठा ली, तेरे महंगे पटाखे और इस बंदूक से तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। रेणु जी नमस्ते। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, किसी दूसरे की चीज़ें बिना पूछे उठाना चोरी होता है। पिताजी कहते थे किसी की चीज़ उठाना नहीं चाहिए, अगर आप उठाते तो चोरी है। यही बात मैंने अपने मित्र से कही, तुझे बिना पूछे बंदूक नहीं उठाना चाहिए थी, यह चोरी होता है। इस पर मित्र ने जवाब दिया, मित्र बड़ा होशियार था, आखिर पुलिस वाले की औलाद थी, तो दुकानदार को अपनी दुकान का ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा दुकानदार को अपनी दुकान का ध्यान रखना चाहिए, वह होशियार नहीं था। मैंने उसके आँख में मिर्ची डाल के चीज उठा ली और उसने ध्यान नहीं रखा, ये मेरी गलती नहीं उसकी गलती थी, उसने ये कहा। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। मैंने उससे कहा, यह बात मैं अपने पिताजी से कह दूंगा। जैसे ही मैंने उससे कहा कि मैं ये बात अपने पिताजी से कह दूंगा, तब उसे मालूम पड़ गया कि ये बात मेरे पिताजी से उसके पिताजी के पास जाएगी, और चूंकि वो पुलिस में थे इसलिए वो डर गया। तब वो मेरी बात मान गया, उसने दुकानदार को बंदूक लौटाने के लिए हामी भर दी, पर उसने एक शर्त रखी, मैं दुकानदार के पास नहीं जाऊंगा, तू ही वापस कर देना। यह कहकर उसने बंदूक मुझे पकड़ा दी और भाग गया। उसे डर था कि यह बात उसके पिताजी को मैं न कह दूं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने पिताजी से यह बात जाकर कही कि मेरे दोस्त ने इस तरह दुकान से बंदूक चुरा ली थी। उनका कहना था, तू अपने दोस्त को दुकानदार के पास ले गया था, वो तेरा दोस्त था और तू दुकानदार के पास ले गया था, तू ही दुकानदार के पास जाएगा और उससे कहेगा कि तेरे दोस्त ने बंदूक दुकान से चुरा ली थी, इसलिए तू वापस करने आया। अब चूंकि मैं ही उसे ले गया था और वो मेरा दोस्त था, उसने चोरी की, तो पिताजी ने कहा तू ही उसको वापस करने जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पिताजी मुझे ही वापस भेज रहे हैं। चोरी दोस्त ने की थी, बंदूक मुझे वापस करने जाना था, इसलिए मैं जैसे तैसे दुकानदार के पास गया। उससे कहा, चाचा जी यह बंदूक मेरे दोस्त ने आपकी दुकान से चुपचाप उठा ली थी, मैं वापस करने आया हूं। यह सुनकर दुकानदार मुस्कुराया, बोला, बेटा तू इसे रख ले। जैसे दुकानदार ने कहा, बेटा तू इसे रख ले, मैंने कहा, नहीं चाचा जी, मैंने इसके पैसे नहीं दिए हैं, यह दोस्त ने चुराई थी, मैं इसे वापस कैसे रख सकता हूँ? दुकानदार ने कहा कि इसे आप रख लीजिए, ये बंदूक। तो मैंने कहा कि मैंने तो
लीनी थी, मेरे दोस्त ने चुराई थी, तो उन्होंने कहा दोस्त ने चुराई थी तो ही रख लीजिए, क्या इस बार चौंकने की बारी मेरी थी, यानी पिताजी को मालूम। तो दुकानदार ने कहा बेटा, मैंने जब उनको मना कर दिया तो दुकानदार ने कहा बेटा, मैं उसी दिन तुम्हारे दोस्त को बंदूक उठाते हुए देख लिया था। दुकानदार ने कहा कि मैंने उसी दिन जिस दिन तुम फटाके खरीदने आए थे, मैंने दुकान उठाते हुए बंदूक उठाते हुए देख लिया था, यह बात मैंने तुम्हारे पिताजी से उसी दिन कही थी, तब वे बोले थे इसके पैसे भी काट लो। तो उस वक्त पिताजी ने मेरे फटाके के और उसकी चुराई हुई बंदूक के पैसे दोनों दुकानदार को दे दिए थे। यह सुनकर मैं चौंका, क्योंकि ये बात मुझे मालूम नहीं थी, क्या इस बार मैं चौंक उठा, यानी पिताजी को मालूम था कि मेरे दोस्त ने बंदूक की चोरी की है। हाँ, दुकानदार ने कहा और मुझे बंदूक वापस पकड़ा दी। मेरा दोस्त दूर खड़ा था, यह सब देख रहा था। उस इस घटना के बाद उसको इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरे पिताजी चाहते तो उन्हें उस दिन भी मालूम था कि मेरे दोस्त ने चोरी की है, और जब चोरी की है तो चोरी करना बुरी बात है, और एक पुलिस वाले थे तो वो मुझे डांट सकते थे, डपट सकते थे, फटकार सकते थे और कह सकते थे कि तू चोर दोस्त के साथ मत रहा कर, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तो मैं एक बहुत बढ़िया बात साझा करना चाहता हूँ कि उस वक्त पिताजी को मालूम था कि मेरे दोस्त ने चोरी की, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने चुपचाप उसको पैसे दे दिए, और दुकानदार से वो बंदूक ले भी आया, और उसने दीपावली के दिन बंदूक से टिकड़ी फोड़ने की कोशिश की और मैंने उसे देख लिया। तो मुझे ये बात पची नहीं कि चोरी कर एक पुलिस वाले का लड़का चोरी करे। मैंने पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा बंदूक तुझे ही वापस करना है, और मैं बंदूक लेकर जब उसके पास गया तब मुझे ये राज मालूम हुआ कि पिताजी को पहले ही मालूम था कि उस दोस्त ने चोरी की है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पिताजी मनोविज्ञान के मामले में कितने आगे रहे होंगे। वह चाहते तो मुझे डांट सकते थे, डपट सकते थे, उस दोस्त को भी चोरी पकड़कर दुकानदार के पास ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मनोवैज्ञानिक रूप से उन्होंने मुझे वहाँ ले जाने का, और वहाँ जाकर मुझे पता हुआ कि तो बंदूक के पैसे मेरे पिताजी ने पहले ही दे दिए थे। और इस घटना से उस दोस्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज मेरा विषय है बचपन और बाल साहित्य। मेरे बहुत से साथी बाल साहित्य लिखते समय अंत में एक लाइन लिख देते हैं कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम कहानी लिखते हैं तो उद्देश्य या उससे जो सीख मिलती है उसे हमें सीधे नहीं देना चाहिए। अगर मेरे पिताजी ने वास्तव में अगर मुझे ये सीख सीधे दी होती तो शायद उस दोस्त पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता और वो चोरी करने की आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि उपदेश किसी को अच्छा नहीं लगता। और चूँकि दोस्त दूर से देख रहा था और उसे जब ये मालूम पड़ी कि मेरे पिताजी को मालूम था, तो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो एक कहानी में कितना दम होता है ये हम इस घटना से समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी नाटक देखते हुए और बहुत से महापुरुषों ने ऐसे नाटक देखते हुए कहानी से शिक्षा ली और अपने जीवन में सुधार किया। इसलिए कहानी को हम बच्चों को आनंद लेने के हिसाब से, वो जितना भी आनंद ले सके उस हिसाब से हम कहानी कह दें और बच्चा उसमें आनंद ले ले और स्वयं समझ जाए, तभी उसमें सुधार हो सकता है। उपदेश और ऊपर से थोपने पर उसमें मतलब सुधार नहीं होता है। तो मैं यह घटना आज भी मेरे मन पर अंकित है। यदि वास्तव में उस समय ये घटना नहीं होती तो शायद मेरे मन पर यह घटना अंकित नहीं होती और मैं इतनी बेहतर कहानी नहीं लिख पाता, क्योंकि बच्चों पर सीधा प्रभाव उसके माता पिता, उनके कार्य, उनकी शैली, उनके जीवन दिनचर्या आदि पर पड़ता है।
इस बारे इस घटना से पता चलता है कि हमारे माता पिता बचपन में जाने अनजाने हमारे मन में संस्कार रोपित करते रहते हैं। इस बात का हमें पता चलता है कि जब बड़े होते हैं तब मालूम होता है कि संस्कार हमारे माता पिता से मिले हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में जो माता पिता हमारे साथ कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। बड़ा भाई यदि पिताजी को पलटकर जवाब नहीं देता है तो ये बात हमारे मन में गहरे बैठ जाती है, तब हम पिताजी की बातें सुनने के आदी हो जाते हैं। जब हम पुराने ज़माने में रहते थे तो उस समय बड़ा भाई या जो भी छोटे भाई होते थे अपने माता पिता को कभी पलट कर जवाब नहीं देते थे, तो इससे हमारे मन में भी वही बात बैठ जाती थी और हम बड़ों की बात सुनने के आदि हो जाते थे। उनकी हर बात सुनना, उस पर ध्यान देना हमारे संस्कार में शामिल हो जाता था, क्योंकि बचपन में जो आदतें हमारे अंदर विकसित होती हैं वही आदतें धीरे धीरे संस्कार का रूप ले लेती हैं। आदतें ही जब रूढ़ हो जाती हैं यानी कि अपने अंदर रस बस जाती है तो वो हमारे संस्कार निरूपित हो जाती है और यही संस्कार बड़े होने पर हमारे अंदर रचे बसे होते हैं। माता का मेहनती स्वभाव और जल्दी उठने की आदत हमारे आचरण में कब सम्मिलित हो जाती है हमें इसका पता ही नहीं चलता। इसका पता हमें बचपन में नहीं चलता, मगर जब हम स्वयं आदत से मजबूर हो जाते हैं माता के साथ, जब हम स्वयं उठने लग जाते हैं जल्दी, तो कभी इस बारे में सोचते हैं तब पता चलता है कि संस्कार हमारे माता पिता या माता द्वारा अनजाने में हमें दिए गए थे और ये हमारे अंदर रच बस गए। पिताजी की दृढ़ता और विश्वास हमें विरासत में मिलता है। मुझे मालूम है मेरे पिताजी कभी नहीं डरते थे, ये बात उन्होंने मुझे व्यवहार रूप से, कार्य रूप से, एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझाई थी, कार्य करके और उसे व्यवहार में लाकर समझाई थी और वही संस्कार मेरे अंदर भी रचे बसे थे। इस बात पर मुझे घटना याद आती है कि पिताजी की दृढ़ता, उनका विश्वास बच्चों में किस तरह संस्कारित होते हैं। ये पिछले दिनों मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। पिछले दिनों मुझे कोरोना हो गया था, उस समय टाइफाइड हुआ था और अपोलो अस्पताल में मैं जब गया तो मुझे उन्होंने कोरोना घोषित कर दिया था। इंदौर के अपोलो अस्पताल में मुझे ले जाया गया। सब जानते हैं कि मुझे टाइफाइड था, इस वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, बोलना भी बंद हो गया था। मगर जब अस्पताल में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तब मेरी पत्नी, पुत्र वधु, पुत्र आदि सब रोने लगे और उनको रोना देखकर मुझे भी रोना आ गया। जब कुछ देर बाद पुत्र ने रोना बंद किया तब मुझसे पूछा, पिताजी आपको डर नहीं लगा, आपको कोरोना है? यह सुनकर मैं न चाहते भी मुस्कुरा दिया और जब मैं मुस्कुराया, हंसा, तो पुत्र ने कहा, आप हंस रहे हैं? पुत्र ने दोबारा कहा। इस पर मैंने उससे कहा, बेटा इस दुनिया में कोई अजर अमर नहीं, जो आया है वो एक दिन जाएगा। यह बात दूसरी है, कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से जाएगा, लेकिन जाएंगे सभी। मुझे भी एक दिन जाना है, फिर जाने से क्या डरना। यह सुनकर वह आश्वस्त हो गया, उसने दोनों कंधे उचका दिए। माँ ने कह रहा हो, वाह पिताश्री आप तो बड़े हिम्मत वाले हो, जबकि उसे पता नहीं था कि यह हिम्मत मुझे अपने पिताश्री से मिली थी। बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार जाने अनजाने अपने माता पिता से मिल जाते हैं, यह हमें बचपन में मालूम नहीं पड़ता। हम बच्चे होते हैं इसलिए बचपन में केवल उनका अनुसरण करते हैं, यही अनुसरण हमारी आदत बन जाती है। आदत कब संस्कार ग्रहण कर लेते हैं इसका पता हमें नहीं चलता। मुझे एक वाक्य याद आता है, मैं उस वक्त मंदसौर में रहता था, वह हमारा घर पुलिस कॉलोनी में था, नई आबादी में था। पिताजी की ड्यूटी घंटाघर के सामने वाले पुलिस थाने में थी, उसी और घंटाघर के पास में ही एक वाचनालय था जिसमें किताबें और अखबार आया करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में उसे पुस्तकालय में बहुत भीड़ रहती थी। उस जमाने में मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे और जो पुस्तकालय होते थे वहाँ पत्रिकाएँ आती थी, अखबार आते थे और उसमें वास्तव में बहुत भीड़ होती थी। अच्छी अच्छी किताबें और अखबार पढ़ने के लिए लाइन में लोग खड़े रहते थे और कुछ पुस्तकें टेबल पर रखी रहती थी और अखबार एक स्टैंड होता अखबार पढ़ने का, उस जमाने में भी वो स्टैंड था, उस पर अखबार रखे रहते थे। कभी कभी अखबार पढ़ने वाले स्टैंड के पास हम इसलिए खड़े हो जाते कि जब वो पत्रिका को पढ़ने वाला
वहां से चला जाएगा तो उस बेहतर पत्रिका को पढ़ने के लिए हम नंबर लगा देंगे। तो इसलिए हम जान करके उस अखबार के पास खड़े हुए उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारी मनपसंद पत्रिका है वो पढ़ने वाला पाठक चला जाए तो हम झट उसकी जगह ले लें। मुझे पता है उस समय वहाँ चंदा मामा जैसी बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, वे रंगीन होती थी और उस जमाने में रंगीन पत्रिका होना बड़ी भारी बात थी। उसे हम चाव से पढ़ा करते थे। अखबार में रंगीन बाल साहित्य का पन्ना आता था, उसे कई दिनों तक पढ़ते संभालते संवारते और रखते थे। पिताजी ने वह पुस्तकालय हमें दिखाया जिससे हम किताब पढ़ने को मिल जाए और हम उनसे किताब की मांग न करें। उस समय क्या होता था, हमें पढ़ने की आदत थी, पिताजी से मांग करते थे कि हमें किताब दिला दो। तो उन्होंने इसका सीधा रास्ता अपनाया था, क्योंकि पिताजी पुलिस में थे, किसी से रिश्वत नहीं लेते थे, तो किताब के लिए पैसे जुगाड़ना बहुत मुश्किल काम था और हमें उस दौर में वास्तव में बहुत काम करके आगे बढ़ना पड़ा। उस जमाने में हम गर्मी की छुट्टियों में टेंट लगाने का काम, बिजली सीखने का काम, और उस समय एक चूड़ीदार एक कैसेट होती थी जिस पे वो कैसेट चलती थी और रिकॉर्डर पे सुई चलती थी और वो शादी ब्याह में उसे बजाते थे, तो उसको बजाने का काम भी किया, साइकिल सुधारने का काम भी सीखा। मतलब गर्मी में हम हर हुनर सीखते थे ताकि पिताजी की हेल्प की जा सके। यहीं से जाने अनजाने हमें पढ़ने लिखने के संस्कार मिले। हमारे बड़े भाई साहब थे, वो भी बड़े पढ़ाकू थे। मतलब मैं ये पूरा इसलिए बता रहा हूँ वर्णन करने का कि बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलते हैं और संस्कार जब वहाँ से मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं और उसके द्वारा हम किस तरह उस संस्कार को अपनी कहानी में या रचना में कविता में उतार सकते हैं। तो हमारे भाई साहब बड़े पढ़ाकू थे, वे उपन्यास किराए पर लाते थे। उस जमाने में उपन्यास किराए पर मिलते थे, 2 पैसे 5 पैसे दिन के हिसाब से किराए पर लाना पड़ती थी। जब तक उपन्यास पूरा नहीं पढ़ लेते थे वो तब तक छोड़ते भी नहीं थे, इस कारण हमें किताब पढ़ने को नहीं मिलती थी। इसलिए हम इस बात का इंतजार करते थे कि भाई साहब कब खाने पीने जाएं, तब हम उनकी अनुपस्थिति में उपन्यास और पुस्तकें पढ़ने लग जाएं। तो इस तरह जब भी वक्त मिलता हम उस पुस्तकों को पढ़ लेते थे। इस तरह एक किताब रात दिन पढ़ी जाती थी। कुछ मित्र रात को किताब ले जाते, साथ ही अपनी किताब दे जाते, दूसरे किताब दे जाते। इस तरह उस जमाने में पुस्तक किराए से लेकर पढ़ी जाती थी, उसका पूरा पूरा मूल्य वसूलने के लिए कोई ना कोई दिन रात उसे पढ़ता रहता था। बचपन में ऐसे कई संस्कार हमें मिलते हैं जो धीरे धीरे हमारी आदत में रस बस जाते हैं, फिर वह आदत धीरे धीरे संस्कार का रूप ले लेती है। यदि हमारे पिताजी पढ़ने के शौकीन नहीं होते, वे लाइब्रेरी में नहीं जाते, हमें साथ नहीं ले जाते, तो शायद पढ़ने के संस्कार हमारे अंदर नहीं आते। तो हम अगर बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चों को वही प्रक्रिया करना पड़ेगी जो हम बच्चों में उसे अपनाना चाहते हैं। उद्देश्य से काम पूरा नहीं होता। यदि आप पढ़ने की आप में रुचि नहीं हो और बच्चों को पढ़ने बैठ तो शायद बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो स्कूल के दिन भी इसी निखारने में, उस समय स्कूल के दिनों ने भी हमारी जो रुचि है उसे निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हर बच्चे के बचपन में स्कूल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि उसका शिक्षक उसके गुणों को निखारने के लिए तन मन धन से मेहनत करे तो बच्चे बिल्कुल उस गुणों को अपना लेते हैं। यही प्रभाव एक साहित्यकार को उसके साहित्य निखारने में बड़ा काम आता है। और मुझे तो आज भी याद है कि अगर मेरे शिक्षक इतने योग्य नहीं होते तो शायद मैं इतनी योग्यता से इतनी बढ़िया कहानी नहीं लिख पाता जो आपको रुचिकर लगती हो। मैं कक्षा 2 से 8 तक नूतन माध्यमिक विद्यालय मंदसौर में पढ़ा था। उस समय वह स्कूल शहर का सबसे प्रसिद्ध स्कूल था, जिले का सबसे प्रसिद्ध स्कूल था, नूतन स्कूल मंदसौर उसका नाम चलता था और ये सरकारी स्कूल था। उस समय वहाँ हमारे स्कूल में एक संस्कृत के पंडित जी संस्कृत पढ़ाते थे। मुझे याद है संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे। उनका एक अन्य विशेषता थी, विद्वान के साथ साथ तो उनकी एक विशेषता थी, वो आपको मैं उल्लेखित करना चाहता हूँ। वो विशेषता शायद मैंने उसके बाद कहीं देखी नहीं। वे दोनों हाथ से लिखा करते थे, इस हाथ से लिखते
हाथ दुखने लग जाता है, इस हाथ से लिखना शुरू कर देते। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जब एक हाथ से लिखते और दुखने लगता दूसरा हाथ से लिखना शुरू कर देते। उनके दोनों हाथ के अक्षर बिल्कुल एक जैसे आते थे। कोई यह नहीं बता सकता कि कौन सा अक्षर किस हाथ से लिखा गया, वह संस्कृत श्लोक और पाठ का सटीक स्मरणीय व्याख्या करते थे। मतलब वो जो संस्कृत पढ़ाते थे उसकी इतनी सुंदर सटीक और बढ़िया व्याख्या करते थे कि आप उसे आजीवन नहीं भूल सकते। और शायद मैं उस जमाने में जब मैं आठवीं पढ़ा तो उस जमाने की मैं संस्कृत की किताब नहीं जानता, लेकिन उस जमाने के पढ़े हुए 5-10 श्लोक मुझे आज भी याद है। यह उन्हीं की गुरुता का प्रभाव रहा कि वह श्लोक मैंने जब हायर सेकेंडरी जावद में पढ़ता था तो रसायन के पीरियड में, उस समय मेरे हायर मैथमेटिक्स थी, रसायन के पीरियड में मैं एक श्लोक जोर जोर से बोल रहा था, उपदेश मूर्खाणाम पर कुपाय न शांत है पै पान भुजंगणाम केवल ईश्वर्धनम। तो उस समय रसायन के शिक्षक आए और आते ही वो मेरे पीछे थे, आते ही पीठ थपथपाए, बोले यार तुम साइंस के आदमी हो, संस्कृत के श्लोक याद हैं। तो मैंने कहा साहब ये आप जैसे गुरुओं की मेहरबानी है। उन शिक्षक के बारे में बाद में बताऊँगा। यही ऐसे 2-4 श्लोक उस जमाने में कैसे याद हुए मुझे भी याद नहीं, लेकिन संस्कृत के श्लोक याद हो गए थे। और इसी स्कूल की एक चपरासी था प्यून, उस चपरासी का मतलब इतनी मतलब उस चपरासी की विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी विशेषता यह थी कि अंग्रेजी भाषा में वो पूरा विद्वान पंडित था। जब हमें कठिनाई होती तो वो एक लंबी झाड़ू थी उस जमाने में खोड़िए की, जो खड़ा होकर लगाता था और उस बरामदे से लेकर इस बरामदे तक एक ही झाड़ू में वो साफ कर देता था। और वो हम क्या करते थे जब उस जमाने में जब उसे हमें हिंदी आती थी और अंग्रेजी में अगर कुछ ट्रांसलेट करना होता था तो हम उसके पास जाते, चपरासी के पास चले जाते, वो झाड़ू निकालता रहता और हम उससे कहते कि इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बता दीजिए, तो तुरंत अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके हमें बता देता था। और जब हमने सुना कि यार ये चपरासी होकर अंग्रेजी में इतना विद्वान क्यों है, तो उस जमाने में जरा सी याददाश्त है तो किसी ने कहा कि ये कोई अंग्रेजी का प्रोफेसर था और विदेश चला गया था और वहाँ पर भारतीय संस्कार और वहाँ के संस्कार देखकर उसको कुछ ऐसा लगा तो वो वहाँ से वापिस आ गया। और उसके बाद डिस्टर्ब होने के बाद उसने स्कूल में नौकरी कर ली। तो हमारे जिस स्कूल में हम पढ़े वहाँ का चपरासी भी इतना विद्वान था कि हम और शिक्षक लोग भी उससे अपनी हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करके पूछा करते थे। वैसे शिक्षक की भूमिका हमारे बचपन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था उस समय की आपको बात बताता हूँ, तब हम जावद जिला नीमच मध्य प्रदेश में रहते थे और वहाँ हमारे रसायन शास्त्र के अध्यापक थे जिन्होंने मुझे शाबाशी दी थी। मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित था। वे जब कक्षा 9 पढ़ाने आते तब रसायन की किताब साथ में लेकर नहीं आते, वे बिना देखा देखी पढ़ाते। उनसे कोई भी समस्या पूछ लो, कोई भी सूत्र पूछ लो, कोई भी समीकरण संतुलन करना पूछ लो, तत्काल उसका उत्तर बता दिया करते थे। मतलब रसायन में कोई भी मतलब समीकरण, कौन सा भी पाठ, कौन सा भी रसायन सूत्र, कौन सी भी प्रक्रिया आप पूछ लीजिए, वह तुरंत बता देते थे, कभी किताब लेके नहीं आते थे। तो अब उनकी विद्वत्ता और गुरुत्वा का परिणाम हमें ऊपर मिला कि हम कम से कम अपनी जो बात कहें पूरी निष्ठा ईमानदारी और सत्यता से कहें। और यही बात मुझे शिक्षक होने के नाते मेरे बच्चों को कहने में, उन्हें सिखाने में बड़ी खुशी होती है। उनके बरसों पढ़ाने का तजुर्बा कहें या उनकी विद्वत्ता, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका नाम बिशी शर्मा था, वैसे ही एक गणित के शिक्षक थे अमृतलाल चौहान, वे भी गणित बहुत जोरदार पढ़ाते थे। उस समय हमारे हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित चलती थी। उस जमाने में 9वीं से उच्च गणित यानी फैकल्टी शुरू हो जाती थी और हमारे पास उस जमाने में उच्च गणित चलती थी जिसमें 5-6 गणित चला करती थी और गणित बहुत कम लोग लेते थे क्योंकि 6 गणित चलाती थी उसको पढ़ना और आत्मसात करना और उसका पेपर देना सबसे कठिन माना जाता था। और उस जमाने में जो फर्स्ट क्लास आता था उसे डायरेक्ट इंजीनियर वाले आके ले जाते थे।
तो बचपन की घटनाएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं, इसी से हमारी नींव मजबूत होती है। हमें कहानी के जो कथानक मिलते हैं उसकी बचपन की बुनियाद का बहुत अहम रोल है। मतलब मुझे जितने भी अपनी कहानी के कथानक मिलते हैं तो या तो वो मेरे बचपन के होते हैं या मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं और उन वो जो मुझे बातें बताते हैं या कहानी बताते हैं या घटना बताते हैं तो उनसे मैं अपने कथानक उठा लेता हूँ। मुझे एक घटना याद आती है, मेरा एक मित्र था, ये भी सुन लीजिए, बहुत बढ़िया घटना है। उसके पिताजी उसी स्कूल में शिक्षक थे, हम रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। मेरे मित्र ने कहा हम सोडियम का टुकड़ा उठा लेते हैं, आप जानते हैं सोडियम एक धातु है। मैंने मना कर दिया, भाई सोडियम खतरनाक धातु है, सोडियम बहुत खतरनाक धातु है, इसे हम यूं नहीं ले जा सकते, इसे ले जाने के लिए घासलेट चाहिए क्योंकि सोडियम घासलेट से क्रिया नहीं करती, बाकी हर चीज से क्रिया करती है, उसी में रखकर ले जा सकते हैं, फिर बिना पूछे कोई चीज लेना चोरी होता है। यह भी मेरा मित्र था, उस समय नौवीं में पढ़ते थे, मगर मेरा मित्र नहीं माना क्योंकि उसके पिताजी शिक्षक थे और उसी स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरार थे। दूसरे दिन वो एक दवा की शीशी लाया और उसमें घासलेट भर के भी लाया, फिर चुपचाप सोडियम चुरा कर उसमें रख लिया और घर ले चला गया। और घर ले जाने के बाद उसने क्या किया, उसको मालूम था मोहल्ले के बच्चों को एकत्रित किया और उसने कहा मैं पानी में आग लगा के बताता हूँ। आपको मालूम होगा सोडियम पानी में डालते हैं तो विस्फोट के साथ फूटता है या आग लगती, और जो साधु महात्मा पानी में आग लगाने की जो चमत्कार बताते हैं वो सोडियम धातु से ही बताते हैं। तो उसे इसका ज़्यादा अनुभव नहीं था, वो तगारी लाया, तगारी एक बर्तन कढ़ाई टाइप होती है, उसमें सोडियम डाल दिया, उसमें पानी भरा और उसमें सोडियम डाल दिया। क्योंकि सोडियम एक अत्यंत ज्वलनशील धातु है, पानी में जाते ही स्पॉट के साथ जलकर उछलती है, तो जैसे ही उसने सोडियम पानी में डाला वो पूरी क्रिया करके पूरी आग लग के उछला विस्फोट के साथ। इस घटना में दोस्त का मुंह जल गया, यहाँ उसका मुंह जल गया, और जो मोहल्ले के बच्चे थे किसी कपड़े जल गए, किसी की क्या चीज़ चली, किसी के बाल जले, तो वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उस घटना का निशान आज भी उस लड़के के चेहरे पर है। उसके ऊपर रासायनिक प्रयोगशाला, जो रसायन की प्रयोगशाला थी उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे उठा ले जाते हैं, तो जितनी भी चोरी की चीज़ गई उसका इल्ज़ाम उसके ऊपर आया कि इसी ने चोरी की होगी। और चूँकि पिताजी वहीं लेक्चरार थे और बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था तो पिताजी को चुपचाप वो सब चीज़ माननी पड़ी और जितनी भी चोरी की चीज़ें गई उसका पैसा भरना पड़ा। इन्हीं घटनाओं ने मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। बच्चा कोई भी हो वो अपने बचपन की यादों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, उसकी बचपन की यादें ही उसे संस्कार देती हैं। इन्हें संस्कार ने मुझे प्रभावित और प्रेरित किया, क्योंकि अगर ये संस्कार मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं अपनी कहानी में ये नहीं लिख पाता। तो इसलिए कहानी में हमें वही बातें लिखना चाहिए, कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो या लेख हो, कि जिसको वास्तव में अपन भुक्त भोगी हों और अपने को लगता है कि ये बातें बच्चों के लिए हित करें, तो उसे बिना उद्देश्य के उसके सामने कहानी द्वारा, कविता द्वारा, उपन्यास द्वारा या किसी भी द्वारा उसके सामने ये पूरा चित्र उकेर के रखना चाहिए, तभी वो इससे प्रभावित होता है और उसे पढ़ता है। आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे साहित्य रचने के लिए प्रेरित करने में मेरे माता पिता, यार दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरी पत्नी, इसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक सफल साहित्यकार के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो हमारी पत्नी श्रीमती गीता, गीता का सब कसम खाते हैं, तो बड़ा अहम रोल रहा है। क्योंकि अगर पत्नी अगर पति को फिर ही नहीं रख सकती, उसे प्रेरित नहीं कर सकती, तो शायद वो इतना उन्मुक्त होकर लिख नहीं पाएगा। तो इन सभी का, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, पास पड़ोसी, गुरुजन, सभी का हमारे संस्कार देने में बहुत अहम रोल होता है और यही हमें प्रभावित करते हैं। बाल साहित्य रचते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए मैंने बहुत कुछ जाना। बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी आदतों को समझा, उनकी समझ की अवधारणा को बारीक से जान पाया हूँ।
क्योंकि अगर बच्चों के बीच मैं नहीं रहता तो शायद बच्चों की मनोभाव मनोवृत्ति आदि को समझ नहीं पाता और उसके अनुरूप कहानी नहीं लिख पाता। तो शायद मेरी कहानियों में जो बात बच्चों को पसंद आती वह नहीं आ पाती, क्योंकि मैं कहानी लिखने के बाद बच्चों को सुनाता हूँ और उनकी राय भी लेना चाहता हूँ, लेता भी हूँ। तो बच्चे कहते नहीं हमें ये चीज़ अच्छी लगी, तो मुझे मालूम पड़ जाता है बच्चों को क्या चीज़ अच्छी लगती है। और चूंकि शिक्षक होने के नाते मनोविज्ञान पढ़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है, तो उससे लिखने में प्रभाव आ जाता है। तो बाल कहानी लिखते वक्त बहुत सी बातों को ध्यान रखता हूँ। अब मैं बचपन से उठकर बाल साहित्य की ओर आता हूँ कि बाल साहित्य लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय रूपांतर करते हुए तो कहानी लिखते वक्त मैं बहुत सी बातों को ध्यान में रखता हूँ, चूँकि मैं कहानीकार हूँ और कहानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यही बात है कि हमारे परंपरा से माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, हमें कहानी सुना के संस्कार करते थे, संस्कारित करते थे। पंचतंत्र की पूरी कथा इसी आधार पर लिखी गई है कि एक मूर्ख राजकुमार को कहानी सुना सुना कर किस तरह विद्वान पंडित बनाया जा सकता है। तो कहानी बहुत अहम रोल निभाती है, और चूंकि आज के ज़माने में कहानी पढ़ना छूट रहा है और नवीन प्रौद्योगिकी की वजह से हम उसे कहानी नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन यह बहुत बढ़िया माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपसे रूबरू हूँ। तो कहानी हम इस तरह भी सुना सकते हैं, मल्टीमीडिया की तरह भी सुना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ तो हमें चलना होगा, और समय के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो शायद बच्चे जो समय के आगे चल रहे हैं, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से होशियार होती है। मैं सोच लूँ मेरा पुत्र मुझसे कम होशियार होगा तो संभव नहीं है, क्योंकि वो मुझसे तकनीकी में मुझसे ज़्यादा आगे, तो मुझसे ज़्यादा होशियार हुआ है। तो हर आने वाली पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से बहुत होशियार होती है, और जो उनसे कदम से कदम मिलाकर चलता है वही उन्हीं के साथ रह पाता है और आगे बढ़ पाता है। एक पुरानी कहावत है कि जब बच्चे का जूता आपके पैर में आने लग जाए तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए, और मैंने तो अपने पुत्र को दोस्त बनाया है। यही वजह है कि मैं जब कहानी लिखता था मुझे मल्टीमीडिया में बिल्कुल रुचि नहीं थी, फेसबुक मैं चलाता ही नहीं था, व्हाट्सएप चलाता ही नहीं था, मुझे सोचता था इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरे पुत्र ने मुझे मोबाइल ला के दिया, फेसबुक चलाना सिखाया और व्हाट्सएप चलाना सिखाया, और आज मेरा पुत्र ही मुझसे कहता है कि पापा फेसबुक में आप मेरे गुरु हैं, जबकि उसने मुझे फेसबुक चलाना सिखाया। तो हम जिस में अभ्यास करते हैं उसमें आगे निकल जाते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बहुत बढ़िया है। मैं अब आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए संक्षिप्त में सब बातें बताता हूँ। बाल कहानी लिखते हैं तो बहुत सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, और मैं इसका ध्यान रखता हूँ। इन्हीं बातों की वजह से मुझे कहानी लिखने में ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई, ये अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यदि आप बारीकी से इस पर चिंतन मनन करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। सबसे पहले मैं कथानक ढूंढता हूँ। मेरे कहानी लिखने का ढंग ये है कि मैं सबसे पहले कथानक ढूंढता हूँ। यूँ कहें कि कथानक अपने दिमाग में आ जाता है तो मैं उसके बारे में काफ़ी सोच विचार करता हूँ। इसे यूँ कह सकते हैं मेरे दिमाग में उस कथानक के संबंध में चिंतन मनन चलता रहता है। कथानक कैसा होगा, उसमें कौन कौन से पात्र होंगे, उसकी क्रियाविधि क्या होगी, कहानी का परिवेश कौन सा होगा, इस पर मैं पूरी तरह चिंतन मनन करता हूँ। इसके बाद इस कथानक पर विचार करने के बाद मैं आता हूँ शीर्षक पर। तो शीर्षक पे साथियों, शीर्षक पे आपको चार बातें बहुत ध्यान देना है। शीर्षक रोचक हो, क्योंकि अगर जिस तरह अगर अपन किसी व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उसका फेस देखते हैं, और फेस आकर्षक हो, हंसमुख हो, मिलनसार हो और बिल्कुल हंसता हुआ हो तो हमें प्रभावित करता है। तो उसी तरह किसी रचना का शीर्षक यदि रोचक होगा, रुचिकर होगा, तो पहली बात तो ये कि अगर जब रुचिकर होगा तो संपादक को पसंद आएगा, और संपादक को पसंद आएगा तो उस वो चयन करेगा, और चयन करेगा तो छपेगा भी, और छपेगा तभी तो सामने आएगा। तो इसलिए सबसे पहले शीर्षक आप रुचिकर बनाएं, रोचक बनाएं। दूसरा, शीर्षक में अगर रुचिकर ना हो तो शीर्षक में जिज्ञासा का समावेश होना चाहिए।
चाहे कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, लेख हो, इनका जो भी शीर्षक रखें वो जिज्ञासा पूर्ण हो, मतलब उसमें ऐसी बात हो कि वो आपको सोचे कि यार इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि मैं इसे पढ़ूँ। तो जिज्ञासा पूर्ण शीर्षक हो, संभवतः ऐसे शीर्षक का चयन करें, इससे कहानी की उत्सुकता जागृत होती है। यह उसी तरह प्रभावित करता है जैसे सुंदर मुखड़ा हम सबको प्रभावित करता है। तीसरा है शीर्षक में कुछ लोग गेयता यानी गाने की कड़ी टाइप गेयता रखने पे जोर देते हैं, और शीर्षक में गेयता हो तो बच्चों को लुभाती है क्योंकि बच्चे लोरी हो, कविता हो, गीत हो, इसको बहुत बेहतर ढंग से सुनना पसंद करते हैं। तो अगर शीर्षक में अगर गेयता ला सकें तो वो उन्हें आकर्षित करेगी। और अधिकांश जो सफल कहानी है उसके शीर्षक देख लीजिएगा, उसमें गेयता होती है, मतलब गाने के गुण होते हैं, लय होती है, लयबद्धता होती है उन शीर्षकों में, तो वो आकर्षित करते हैं। और चौथा है शीर्षक सरल व सहज होना चाहिए, गुड़ शीर्षक नहीं रखना। गेयता का मतलब ये नहीं कि आप कोई कठिन लिपि का शीर्षक ला के रख दें, बिल्कुल सरल सहज हो, आकर्षित करता हो, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। और इस शीर्षक का कथानक से संबंध भी होना चाहिए, ऐसा ना हो शीर्षक का कथानक से संबंध हो, आपने दूसरा शीर्षक रख दिया हो, तो ऐसे शीर्षक ना रखें। इन चारों बातों को ध्यान में रखकर आप शीर्षक का चयन कीजिए, इससे कहानी छपने की 25% संभावना बढ़ जाएगी, ये मेरा दावा है। मगर कहानी के शीर्षक के साथ साथ उसका कथानक भी बढ़िया होना चाहिए। शीर्षक अगर आपने बढ़िया लिखा तो उसके साथ उसका कथानक भी बढ़िया होना चाहिए, वो जिसे इंग्लिश में प्लाट कहते हैं, प्लाट भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब प्लाट बढ़िया नहीं होगा तो उस पर आप कहानी अच्छी नहीं गढ़ सकते। कहानी को शीर्षक को इस तरह आरंभ, मतलब जैसी कहानी आपने आरंभ की तो शीर्षक की तरह उसे भी रोचक आरंभ होना चाहिए कहानी का। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी कहानी में किन चार बातों को ध्यान रखना, वो आपको बता रहा हूँ। कहानी का आरंभ रोचक हो, प्रभावमय हो या प्रेरक पंक्तियों से हो, जिससे कहानी पढ़ने की जिज्ञासा पहली पंक्ति से आरंभ हो जाए। जैसे ही कोई कहानी की पहली पंक्ति पढ़े और उसे लगे कि नहीं अभी पूरी कहानी मुझे पढ़ना चाहिए, तो अगर इस तरह प्रभावमय अगर आपने शुरू से आरंभ कर दिया तो आपकी कहानी को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहले अगर संपादक ने पढ़ी तो आपकी 50% संभावना और बढ़ जाएगी कि वो चयनित होगी और छपेगी। आरंभ में आप कोई समस्या रख सकते हैं, वह उत्सुकता जगाने वाली हो, उसे पढ़ते ही पाठक को लगे कि इसका निष्कर्ष हमें जानना चाहिए, उसे पूरे कहानी मजबूरन पढ़ना पड़ेगी तभी काम चलेगा। यानी आरंभ पढ़ते ही पाठक आपकी कहानी से जुड़ जाए तभी आपकी कहानी सफल है। तीसरी बात, कहानी का आरंभ किसी घटना से कर सकते हैं, क्योंकि घटना आदमी को बहुत प्रभावित करती है, मगर घटना या समस्या ऐसी हो कि पाठक उसके समाधान को पढ़ने के लिए उत्सुक हो, वो घटना या समाधान उसे पूरा आभासित नहीं होना चाहिए, पहले से उसको घटना की पूरी जानकारी नहीं होना चाहिए, ताकि वो कहानी को आरंभ से अंत तक पढ़ना की कोशिश करे या मजबूरी में पढ़े। चौथा है कहानी का आरंभ प्रेरक वाक्य से भी किया जा सकता है, बहुत से लोग कहानी का आरंभ प्रेरक वाक्य से करते हैं, मगर वाक्य में प्रेरणा के साथ जिज्ञासा का भाव भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बिना जिज्ञासा के कोई कहानी नहीं पढ़ेगा। अगर आपकी कहानी में जिज्ञासा नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो कोई आपकी कहानी नहीं पढ़ेगा, बड़े लोग भी नहीं पढ़ेंगे, बच्चे तो दूर की बात है। तो आपको कहानी में जिज्ञासा बनाए रखना है। और पाँचवा है कहानी का आरंभ कविता से किया जा सकता है, बहुत से लोग कविता से भी कहानी का आरंभ करते हैं, ये बड़ों की कहानी के लिए अच्छी होती है, मगर इस कविता की पंक्तियों में कहानी को आगे बढ़ाने की क्षमता भी होना चाहिए, कविता की पंक्ति ऐसी हो कि वो कहानी को आगे बढ़ा रही हो, इसके द्वारा कहानी का आरंभ जिज्ञासा पूर्ण हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे बच्चों की कहानी सरल सहज आनंददायक और प्रभावपूर्ण होती है, इसलिए इन कहानियों का आरंभ कविता से कभी नहीं करना चाहिए, बच्चों की कहानी का आरंभ कविता से नहीं होना चाहिए, बड़ों की कहानी को हम कविता से आरंभ कर सकते हैं। कहानी का आरंभ की तरह उसका मध्य भाग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस तरह कहानी का आरंभ बहुत महत्वपूर्ण है तो मध्य भाग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस भाग में कहानी का अपने तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट करती है, मतलब कहानी क्या करती है, मध्य भाग में अपनी जो समस्या है उसको पूरा स्पष्ट करती है, उसका समाधान नहीं करती, पूरी स्पष्ट कर देती है कि समस्या क्या है। यानी इस भाग में कहानी का समस्या का स्वरूप स्पष्ट रूप से पाठकों के समक्ष आ जाता है, बच्चों को कहानी में इस भाग में समस्या घटना पूरी तरह स्पष्ट हो जाती, कोई समस्या हो तो पूर्ण रूप से उसके सामने आ जाती कि ये समस्या थी,
इसके लिए कहानी लिखी गई। इस भाग को लिखते समय हमें कुछ जानकारी या कुछ विशेष बातें ध्यान में रखना चाहिए, वह इस भाग में उभर कर सामने आ जाए। पहली बात, कहानी के इस भाग में भी रोचकता बनी रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई कहानी लिखते हैं, आरंभ उसका बहुत बढ़िया रहता है, मध्य में आते हैं और कहानी का अंत उनको मध्य में मालूम पड़ जाता है, तो फिर क्या करते हैं, पाठक हो, बालक हो, पालक हो, या कोई भी हो, उसको पढ़ने वाला हो, उस कहानी को उससे आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको अंत मालूम पड़ गया तो कहानी क्यों पड़ेगा वो आगे। दूसरी बात, समस्या या आपके भाव उभर कर तो सामने आ जाए, समस्या इस भाग में आपके सामने आ जाए, मगर पाठक आपके अंत का अंदाज न लगा सके। अंत क्या होगा इसका अंदाज उसको नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जिज्ञासा बनी रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, पाठकों की समस्या को स्पष्टता से वो समझ जाए। आप कहानी में प्रभाव पत्ता लाना चाहते हैं और यहाँ पे अपना पूरा प्रभाव उसके सामने रख दें और उसकी जिज्ञासा को चरम पर पहुँचा दें, मतलब इस कहानी में उसको यहाँ पर आने के बाद पाठक को लगे कि अब तो कहानी को पूरी पढ़ना पड़ेगी, चाहे वो उसे कितना भी काम हो और कहानी को न छोड़े, तभी आप कहानीकार के रूप में सफल हो सकते हैं। इसके बाद आता है अंतिम भाग, यह कहानी का महत्वपूर्ण भाग है, इसी से कहानी का प्रभाव चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। इसके द्वारा कहानी में पाठकों को आनंद की प्राप्ति होती है, इसी के लिए कहानी का सर्जन किया जाता है, क्योंकि कहानी का सर्जन उस अंतिम समस्या समाधान या उस कहानी के आनंद के अतिरेक के लिए किया जाता है। तो उसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कहानी का आरंभ कविता से किया है, यानी मान लो जी आपने बड़ों की कहानी लिखी और उसका आरंभ कविता से किया है, तो उसका भाव या प्रभाव यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कहानी क्यों लिखी गई थी, उसका अंत क्या है, उसका प्रभाव क्या है, यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए। आपने जिस आरंभ से कहानी आरंभ की थी उसका अंत और उसी के समाधान के साथ यहाँ पर हो जाना चाहिए। बिना समाधान के कोई भी कहानी नहीं होती, क्योंकि कहानी आप लिख रहे हैं तो प्रारंभ में जो समस्या उठाई उसका समाधान अंत में होना ही चाहिए, क्योंकि लघु कथा में तो निदान होता है लेकिन कहानी में उसका समाधान होता है। तो या तो कहानी का समाधान होगा या फिर पाठक को विचार मंथन के समुद्र में गोते लगाते हुए छोड़कर आप अंत की ओर बढ़ जाइए। मगर ऐसी कहानी बच्चों के लिए नहीं लिखी जाती जो विचार मंथन में छोड़कर आगे बढ़ जाती। बच्चों की कहानी में एक निश्चित समाधान होना चाहिए, इसी से बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, अगर ये बात हो रही है, यदि आप उपन्यास लिख रहे हो, उपन्यास अगर लिख रहे हैं और लंबी कहानी लिख रहे हैं, ये बाल साहित्य से हटके है पर बाल उपन्यास भी लिखे जाते हैं, इसलिए बात मैं रख रहा हूँ। यदि आप उपन्यास लिख रहे हैं तो पहले खंड का अंत करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, पहले खंड के अंत में उस समस्या का समाधान कर दें, लेकिन दूसरे खंड का जो आरंभ होने वाला है उसका संकेत अंत में दे दें। तो इससे यह होगा कि जो खंड वो उपन्यास का पढ़ रहा है आरंभ, और उसका समाधान अंत में हो गया, और उसी अंत के साथ उसकी जो दूसरा खंड चालू होगा उसका संकेत यहाँ दे देंगे, तो उसको दूसरा खंड पढ़ने के लिए जिज्ञासा बनी रहेगी। तो ये उपन्यास का गुण है कि हर खंड में अंत के साथ एक नए खंड के आरंभ का संकेत, ये समस्या उसके संक्षिप्त में उसके अंत में आ जाती है, तभी पाठक आपकी कहानी या अगला खंड पढ़ना के लिए उत्सुक होगा, अन्यथा तो पहला खंड पढ़ के छोड़ देगा। अगर मान लो आप लेख लिख रहे हैं, बाल लेख, तो उस संभव समाधान आपको अंत में समस्या निवारण आपको करना आपका दायित्व है। आप इसे संभव समाधान अवश्य इंगित करें लेख में भी। इस बात के साथ आप कहानी लेख उपन्यास का समापन करें, इससे आपका प्रभाव बढ़ जाएगा और आपकी कहानी रुचिकर बाल पाठकों या बड़े के पाठकों के लिए बहुत बेहतरीन लगेगी। मुझे आदरणीय ऋषि जी ने 40 मिनट का समय दिया था और मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को आपके सामने रख पाया हूँ। आशा है इस वेबिनार में या वीडियो में आपको बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक और आपके कहानी उपन्यास कविता के लिए अच्छी अच्छी बातें पता चली होगी। यदि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी तो मेरा मेहनत और ऋषि जी की अभियान की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।